नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत उपवास की ये इसके लौकी की मुठिया बनाएंगे। तो ये मैंने 1 कप सिंगाड़े का आटा लिया है और ये 2 चम्मच जो है वो राजगिरे का आटा वो इसमें मैं डाल रही हूँ। और ये जो मैंने ये कद्दूकस करके रखे हैं लौकी के, आधी लौकी लिए, आधी इससे भी कम लौकी के टुकड़ा लिया है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मेथी की मुठिया बनाना सॉरी लौकी की मुठिया बनाना बहुत आसान है और इसे आप व्रत में आराम से खा सकते हैं। अब मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। मैंने 1 चम्मच के करीब सेंधा नमक डाला है और ये हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट है ये डाल रही हूँ। और ये जो जीरा है इसको मसल के डालूंगी। इसमें जीरा डालते तो जीरे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर अभी मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप लाल मिर्च व्रत में नहीं खाते हो तो आप ना डालें, स्किप कर दें और उसकी जगह काली मिर्च डालें। अब ये आधा टी स्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी है और अब ये हरा धनिया डाल रही हूँ। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेथी की मुठिया बनाना बहुत आसान है और इसमें पानी वानी नहीं डलता है क्योंकि मेथी ऑलरेडी वो लौकी सॉरी बार बार मेरे को मेथी की मुठिया का ध्यान आ रहा है। तो इसमें अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ही हम डालेंगे लौकी की मुठिया में। तो अभी 2 चम्मच के करीब इसमें पानी डलेगा। हमारा मुठिया तैयार हो रहे हैं, तब तक मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब मीडियम गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मुठिया डाल के इसको तलेंगे। अब ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है लेकिन अभी ये थोड़ा सूखा है तो इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 2 चम्मच राजगिरे का आटा इसलिए डाला है क्योंकि हम इसमें तेल का मोन तो दे नहीं रहे, तो राजगिरे के आटे से ये बहुत खस्ता हो जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। ये मैंने 1 चम्मच के करीब अभी पानी डाला है इसमें और इसको अच्छे कड़क की इसको उसनेंगे। अब ये 1 चम्मच के करीब पानी और डाल रही हूँ। ये पानी डालने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, अगर ये गीले हो जाएंगे मुठिया तो ये अच्छे नहीं बनेंगे और तलने में फिर बिखरेंगे। तो ये मैं तैयार कर रही हूँ। इसको थोड़ी देर मसलना पड़ेगा हमको अच्छे से, जैसे हम कड़क आटा गूंथते हैं वैसे ही इसका डो तैयार हो जाएगा। ये मेथी की मुठिया आप अगर साबुदाने की खिचड़ी और भी दूसरे ऐसे पदा वो गरिष्ठ फराल मतलब करने में आप ऊब गए हैं तो आप इसको बना के और इसको स्टोर भी कर सकते हैं, इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं अगर भूख लगे तो। और ये फराल में दही के साथ भी आप इनको खाइए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने केवल 2 चम्मच पानी में ये डो उसना है। अभी हमारा डो तैयार हो गया है, अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी। अब हम 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको 2 तरह से बनाना बताऊंगी, एक तो मुठिया बनाएंगे और एक दूसरे ये मठरी बनाएंगे हम। इसकी मठरी भी आप बना सकते हैं। ये मैंने 2 मठरी अभी बनाई तैयार करी है। अब इसमें ये मैंने मठरी बना के तैयार कर रही हूँ और आधे में लौकी के मुठिया तैयार करूँगी। सॉरी वो बार बार मेरे से मेथी के मुठिया निकल रहा था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये लौकी के मुठिया और मठरी बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको बेल भी सकते हैं, इसको पूड़ी के रूप में भी बना सकते हैं, पर मैं आज पूड़ी ना बनाकर मठरी और मुठिया बना रही हूँ। अब ये मेरी मठरी तैयार हो गई है, अब मैं मुठिया तैयार करके बताती हूँ। ये छोटे छोटे मुठिया बनाएंगे हम ऐसे, ये ऐसे तैयार हो गए हैं मुठिया। इसमें ना तो तेल डालना पड़ता, तेल का मोन भी नहीं डालना पड़ता है क्योंकि ये आटा जो है सिंगाड़े का आटा और राजगिरे का आटा अपने आप में बहुत खस्ता होता है,
तो इसमें मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने इसमें तेल का मोन या घी का डाल दिया तो वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएंगे और बनाने में बिखरेंगे फिर, इसलिए इसको ऐसे ही बनाना चाहिए। और लौकी वैसे भी हेल्दी होती है खाने में, तो आप अगर उपास व्रत रख रहे हैं और आपको थोड़ा स्वाद परिवर्तन करना है और कुछ अच्छी चीज़ खानी है उसमें, और एक ही एक साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाना बड़ा खा खा के आप बोर हो गए, तो आप इस तरह से मुठिया और मठरी बनाइए और खाइए। अब ये मठरी जो मैंने बना के रखी, इसमें थोड़े बारीक बारीक छेद कर देंगे, ये इस तरह से, इस तरह से, तो ये अंदर से भी बहुत खस्ता हो जाएगी और बहुत अच्छी लगेगी। और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं मठरी को। ये तैयार हो गई है हमारी मठरी। अब चेक करके देख लेते हैं, हमारा तेल गरम हुआ, ये मीडियम गरम हो गया है, हमें बहुत तेज गरम नहीं करना है। मैंने गैस की फ्लेम को अब लो कर दिया है, ये हमने चेक करा तो ये ऊपर आ गया है, तो ये हमारा ये तैयार है तेल। अब मीडियम गरम में ही हम ये मठरी डाल रहे हैं। अभी बहुत लोग मेरे प्रियजनों ने बोला कि आप कुछ फराल का अच्छा सा आप वीडियो डालिए, अभी व्रत उपास चल रहे हैं, तो इसलिए आज मैं ये वाला वीडियो आपको डाल के और ये बता रही हूँ कि आप इस तरह से बना के खाइए तो आपके अच्छा भी लगेगा। और लौकी वैसे भी हेल्दी होती है। अब गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा फुल कर दिया है और अभी इसको बिल्कुल हिलाया नहीं है। जब ये थोड़े ऊपर आ जाएगी मटरी, तब मैं फिर इसको पलटूंगी। इसको सीखते हुए करीब 2 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको ये पलट रही हूँ इस तरह से, और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम और फुल भी आप बीच बीच में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम आँच में अगर सेकेंगे तो उसमें तेल भरा जाता है, इसलिए थोड़ा सा आँच को उस समय फिर थोड़ा तेज भी करना पड़ता है। तो अभी मैंने आँच को तेज कर रखा है, फुल पर है, और फिर थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। ये बिल्कुल गुलाबी अच्छी ब्राउन हो जाएगी, इसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे। अब ये मैंने मुठिया डाल दिए हैं इसमें और ये हमारी मठरी तैयार हो गई है, और ये मठरी को सिकने में 3 से 3.5 मिनट लगे हैं। ये हमारी मठरी तैयार हो गई है और ये अब मैंने इसमें मुठिया डाले हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब बीच बीच में इसको थोड़ा ऐसे चलाते रहना चाहिए, ऐसे बिल्कुल धीरे से। अब इसको सीखते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है, अब इसको हम पलट देते हैं। मुठिया को तलने में थोड़ा मठरी से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मुठिया थोड़ी मोटी होती है और फिर नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए इसको हम लो और मीडियम आंच में ही सेकेंगे। अब ये हमारे मुठिया बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इनको तलने में हमको 5 मिनट के करीब टाइम लगा है, क्योंकि मुठिया फिर अंदर से नहीं तो कच्चे रह जाते तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप हरियाली मेथी की वो सॉरी मेरे से बार बार मेथी मेथी निकल रहा है, लौकी के मुठिया और मठरी आप बनाइए और व्रत उपास का आनंद लीजिए। तो आप ये मेथी के वो लौकी के
मुठिया और मटरी तैयार हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।